Hey guys, what's up? It's me. हाँ, मैं ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठा हूँ। अब ग्रीन स्क्रीन यूज करके वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग करो वाओ ग्रीन स्क्रीन वगैरह, कुछ नहीं होता है। एक हरे कलर का पर्दा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और क्या ये मेरा इंट्रो था? हाँ, ये मेरा इंट्रो था। ओके, और क्या ये इंट्रो खत्म हो गया है? हाँ। अब तुम लोग इस चैनल पे आओ तो प्लीज लाइक बटन को क्लिक कर दो। वीडियो देखने से पहले ही लाइक बटन को क्लिक करना चाहिए, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बट मेरी वीडियो तो हाँ कर दो, इट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि जैसे मुझे लाइक ज्यादा मिलने लगे, मुझे व्यूज ज्यादा मिलने लग गए, तो लाइक लेट्स गो। ओके, तो आज तुम लोगों को मैं टीवी सीरीज, एनिमे और मूवीज बताने वाला हूँ जो मैंने पिछले एक या दो महीने में देखे हैं, और ये बहुत ज्यादा क्विक और ब्रीफ वीडियो होगी, तो फटाफट देखते जाओ। और जो भी एक रैंडमली कोई सा पिक कर लेना, जो भी तुम देखोगे वो तुम्हें अच्छा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मंडे और थर्सडे को अपलोड करता हूँ, तो कल थर्सडे, आज ही थर्सडे, और अभी रात के 3 या 4 बज रहे हैं, और मुझे बहुत जल्दी एडिट करके अपलोड करने, तो इससे एक बहुत ज्यादा। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं एक वीडियो बना रहा था 2 दिन से, और वो वीडियो किसी रीजन से बन नहीं पाई। मैं मंडे और थर्सडे को वीडियो अपलोड करता हूँ, और आज थर्सडे है, और अभी रात की 5 बजने वाले हैं अब। ये नाइस, जब मैं एडिट करना चालू कर रहा हूँ, जस्ट वॉच इट, ओके, इट विल बी फन। मैं किसी भी वीडियो में इतना नॉलेज नहीं देता हूँ जितना मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो देखने में इतनी प्लीजिंग नहीं है, बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ वैल्यू, ओके, जस्ट वॉच इट, एंड आई फकिंग नो यू गाइस विल वॉच इट बिकॉज यू गाइस लव मी सो मच, सो लेट्स गो। सबसे पहले चालू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने एनिमे नहीं देखा होता है, आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट वॉचिंग एनिमे। एनिमे एक इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अभी आखिरी के 1-2-3 महीने में जितनी भी एनिमे सीरीज देखी वो सबकी सब मैं अभी हाल बताने वाला हूँ, वो सब बहुत अच्छी है, कोई सी भी एक पिक करके देखने चालू कर देना, लेट्स गो। सबसे पहला और मेरा ऑल टाइम फेवरेट इस पूरी एनिमे सीरीज को मैं कम से कम 4 या 5 बार देख चुका हूँ, वो है नारुतो। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज है, बहुत सोच के बनाया गया, और पूरी की पूरी एक जो छोटा सा उन्होंने वर्ल्ड के बारे में स्टोरी बताई है, बहुत ज्यादा अच्छी है। सबसे पहला नारुतो, दूसरा ड्रैगन बॉल जी, आई मीन ड्रैगन बॉल जी, ब्ला डू, सबको पता है ड्रैगन बॉल जी, वन पीस आई वुड रिकमेंड इट। और फिर उसके बाद हीरो एकेडमिया, ब्रो हीरो एकेडमिया देखना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। और फिर मेरा फेवरेट वन पंच मैन हो गया। डेथ नोट, यार डेथ नोट कैसे नहीं देखोगे, डेथ नोट के बारे में सुना भी होगा, नहीं देखा तो सही में देखो। और फिर ये वाला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, काइंड ऑफ प्यार वाले वे में, मतलब काइंड ऑफ रोमांटिक सीरीज टाइप लगती है मुझे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, बहुत बहुत अच्छी सीरीज है, मेरी काइंड ऑफ मोस्ट फेवरेट में से एक, और आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां अगर जो देख ली होंगी उन लोगों को बहुत पसंद आएगी। और दूसरा है हंटर एक्स हंटर, ब्रो यानी मैं 2 बार सीरीज देख चुका हूँ पिछले 1 साल में, इट इज गुड, ठीक है। और फिर एक फेरी टेल हो गया, फेरी टेल भी बहुत ज्यादा अच्छा है, वो भी तुम लोग देख सकते हो, लाइक बहुत काइंड ऑफ मैजिकल वर्ल्ड वगैरह टाइप ऐसा कुछ, तो वो भी बहुत अच्छा है। और टोक्यो गोल करके है, मोस्ट फेवरेट में नहीं बोलूंगा, बट स्टिल इट्स लाइक अप देयर, ओके, इट्स लाइक अप देयर। और अगर तुम लोग लाइक थोड़े बड़े हो, लाइक 15 या 16 से ऊपर हो, तो तुम लोगों को अटैक ऑन टाइटंस भी देखना चाहिए, इट्स अमेजिंग। और फिर उसके बाद 7 Deadly Sins, यार 7 Deadly Sins कोई कैसे भूल सकता है, 7 Deadly Sins भी बहुत फेवरेट है मेरा। और एक इनुयाशा करके भी है, वो मैंने आज तक कभी ऐसे बिल्कुल लग के पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखा नहीं है, बट लाइक तभी मैंने देखा, आई फकिंग लव्ड इट। और फिर इसके बाद ये वाला मैं बहुत ज्यादा, मतलब वो नहीं बोलते अच्छे से रिकमेंड करना, अगर तुम लोग कोई सा भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, चुपचाप जाओ और पैरासाइट देखना चालू कर दो। पैरासाइट इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे, मैं ये वाली सीरीज 3 बार देख चुका हूँ पिछले साल में। और हाँ, मैं बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स और बहुत ज्यादा एनिमे और बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह देखता रहता हूँ, तो आई नो तुम लोग सोचोगे हे भगवान इसने आखिर 1 साल में कितना कुछ देख लिया, बट जो भी है देख लिया तो देख लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पैरासाइट प्लीज, पैरासाइट प्लीज देखो, बहुत अंडररेटेड लगता है मुझे, और जितना उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा, तो प्लीज पैरासाइट देखो। अब यहाँ पे एनिमे का खत्म कर देते हैं, और भी बहुत सारे एनिमे हैं अभी भी हैं, बट अभी के लिए इतना ही। स्टार्ट करने के लिए, एनिमे देखने स्टार्ट करने के लिए, या फिर जिन लोगों ने देखा हुआ है उन लोगों को और थोड़ा कुछ देखने के लिए, आई थिंक इतना बहुत होगा। और अगर तुम लोग ये सारे के सारे एनिमे जो मैंने अभी तक बताए वो सबके सब तुम देख चुके हो, I fucking salute you, okay? You are like fucking true anime lover, and I fucking love you if you love anime, okay? चलो anime हो गया, अब TV series पे आते हैं। TV series मैंने इतनी सारी देखी है ना, I fucking swear, hey भगवान। सबसे पहले Breaking Bad, please इसको जाके निपटाओ। अगर नहीं खत्म किया अभी तक देखना या देखना start नहीं किया, चुपचाप जाओ और अभी हाल जाके उसको देखना चालू करो, अभी के हाल मतलब अभी, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करने के बाद, और प्लीज लाइक कर दो यार, तुम्हें 1 लाइक कर दोगे तो क्या जाएगा, मुझे रो रो के तुम्हें लाइक करवाना पड़ता है यार, क्यों,
क्यों? फिर गेम ऑफ थ्रोन्स लास्ट वाला सीजन प्लीज मत देखना, इतना टाइम हो गया और अभी तक तुम लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा। आई नो तुम लोग वो कूल इंसान नहीं बनना चाहता कि ओ सब लोग ये देख रहे हैं, पर मैं ये नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम कूल बन चुके हो, तुम लोग जो दिखाना चाहते हो तुम लोगों ने दिखा दिया, अब तुम जाके गेम ऑफ थ्रोन्स देख सकते हो। अगर तुम्हें नहीं बताना किसी को मत बताओ, चुपचाप जाके गेम ऑफ थ्रोन्स देखो। उसके बाद आता है, बहुत बच्चों वाली सीरीज है लेकिन काइंड ऑफ स्टोरी लाइन अच्छा है, कैरेक्टर आर्क्स वगैरह पूरा का पूरा अच्छा लगता है मुझे, तो स्ट्रेंजर थिंग्स जाके देखो। और स्ट्रेंजर थिंग्स से आता है एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड, बहुत वियर्ड एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड बहुत वियर्ड है, बट वो जाके देखो। रिलेटेड काइंड ऑफ तुम लोगों को देखना हो तो वो पापा को कॉल आ गया, पीस आउट गाइस। और मुझे अब खांसी भी हो रही है और कोरोना वायरस भी इतना ज्यादा चल रहा है, तो आई थिंक उससे रिलेटेड दो तीन टीवी सीरीज मैं बता ही सकता हूँ। सबसे पहले वॉकिंग डेड देख लो, वॉकिंग डेड हो गया, और फिर उसके बाद वैन हेलसिंग देख लो। वैन हेलसिंग इतना अच्छा नहीं है बट लाइक वॉकिंग डेड के 8 सीजन है, 8 सीजन तुम देख लो ना। वॉकिंग डेड सही में अच्छा भी है, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा ओ इतना अच्छा नहीं होगा, बट वॉकिंग डेड अच्छा है। तो टीन वुल्फ भी देख सकते हो, वैम्पायर डायरीज देख सकते हो, और नेशन जी करके भी एक, द 100 भी देख सकते हो। अब ठीक है, अभी हो गया। और फिर एक छोटा सा, अगर तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है छोटी सी चीज देखनी है, तो रिवरडेल का फर्स्ट सीजन देख लो, बस फर्स्ट सीजन खत्म करके वहीं खत्म कर देना। मनी हाइस्ट, शेरलॉक होम्स और वाइकिंग्स तीनों अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ भी बहुत अच्छा है। और फिर लूसीफर, फ्रेंड्स, मिस्टर रोबोट, रिक एंड मॉर्टी और ये सब देख लो, और बस इस पे मैं खत्म कर रहा हूँ। अगर तुमको बिल्कुल फोकस करके कुछ चीज देखनी, कोई सी टीवी सीरीज, डार्क देख लो। और इसके साथ मैं टीवी सीरीज वाला खत्म कर रहा हूँ। अब तुम लोग आ जाओ मूवीज पे, मूवीज बहुत सारी हैं यार, बहुत सारी। और मूवीज वगैरह पे मेरी फेवरेट 50 से 60 मूवीज बताई थी आई थिंक, मुझे अच्छे से याद नहीं हो वीडियो क्या थी, बट मैंने मूवीज पे एक वीडियो बनाई है, तो वाली वीडियो कहाँ पे आता है, यहाँ पे कहीं पे आएगा, उसे टैप कर देना और फिर उस वीडियो को भी देख लेना पूरा का पूरा। तो तुम लोगों को पूरी की पूरी मूवीज जो भी मुझे फेवरेट मुझे पसंद आती है वो सारी की सारी तुम लोग देख लोगे। बट स्टिल अभी मैं अपने ऊपर दिमाग में जो भी आ रहा है वो सारी सारी मूवीज अभी बता देता हूँ। सबसे पहली है YM, मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी में से YM। और फिर उसके बाद द इंटरव्यू देख लो। ये सारी मूवीज वो है मतलब जो मैं उस टाइम पे देखता हूँ कि I don't know what the fuck was that। मैं वहां पे ऐसे zone out करके यूं बैठा और फिर मैं वैसे ही बैठा रहा 11 मिनट तक। 11 मिनट तक मैं वहां पे बैठे बैठे कुछ सोचता रहा। मैं अभी यार वीडियो देख रहा हूँ तो it's so fucking weird guys। हे भगवान, I don't know मेरे साथ क्या हो रहा है, what the fuck is wrong with me। चलो लेट्स कंटिन्यू। और 5 feet apart लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी, अगर तुम लोगों को काइंड ऑफ रोमांटिक काइंड ऑफ मूवीज पसंद है तो, और ज्यादा ही तुम लोगों को मूवी देखने का शौक आ रहा है ना, तो चुपचाप से मार्वल्स का फर्स्ट से लेके आखिरी तक देखना चालू कर दो। ठीक है, तुम लोग एक बार वो देखोगे ना बैठ के स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक सारी हर एक मूवी मार्वल की, सब तुम लोगों को मूवी मेकिंग वगैरह इन सब चीजों के बारे में बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। और मैंने इसी महीने एक वाली मूवी देखी द ओल्ड गार्ड करके, द ओल्ड गार्ड नेटफ्लिक्स पे थी शायद तक, मुझे अच्छे से याद नहीं कहाँ पे, तो तुम लोग वो देख सकते हो। डेडपूल तुम लोगों को देखनी पड़ेगी, मेरी फेवरेट है, मुझे ऐसी मूवीज पसंद आती है, मतलब काइंड ऑफ बहुत ज्यादा कॉमेडी काइंड ऑफ मस्ती मजाक वाली, मतलब बहुत लाइट हार्टेड, बहुत जोक्स वगैरह इन सब चीजों के साथ। और फिर आई थिंक तुम लोगों को बागी 3 भी देखनी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। बहुत दुख के साथ तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 1-2 महीने में बागी भी देखी, पता नहीं क्यों देखी, मुझे एक मन हो रहा था लाइक मैंने हिंदी मूवी शायद तक जाने कितने साल हो गए मैंने हिंदी मूवी एक देखी नहीं अच्छे से, तो मैं सोचा एक देख लेते हैं, पर मैंने गलत चूज की। तो बागी के साथ मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। पर हाँ, मूवीज वाली देखने तो चुपचाप जाके मेरी दूसरी मूवी वाली लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तुमको 50-60 मूवीज बता दूंगा मैं, तो जाओ, बाय गाइस, हैव फन, पीस आउट। और मेरी स्टाइल में मैं हर बार करता हूँ, 1 मिनट रुक ही जाओ यार, अब पीस आउट गाइस, बाय। और सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब और लाइक करो, सब्सक्राइब और लाइक।